Krishna, 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 Aye, oh yeah, Aye. Oh yeah. सब देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पास आती जा रही है जिसका बेसब्री से हम सबको हर साल इंतजार रहता है तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस कॉन टेम्पल के पंडित जी से जो हमें बताएंगे इस जगन्नाथ यात्रा के बारे में जिसके वस्त्र हमेशा वृंदावन से तैयार होकर आते थे और इस बार वो स्पेशली लुधियाना में तैयार किए गए हैं बहुत डिजाइनर तरीके से तो चलिए उनसे बात करते हैं हरे है। कृष्णा सर हरे कृष्णा जी

तो जैसे पूरा साल लोग बेसब्री से इंतज़ार करते कि रथ यात्रा आने वाली है रथ यात्रा आते आने वाली है तो इस बार लुधियाना के भक्तों ने सोचा कि जैसे हर साल भगवान वृंदावन की ड्रेस पहनते हैं तो इस बार क्यों ना हम लुधियाना से ही भगवान के लिए यहीं पे अपनी ड्रेस तैयार करें तो जो पारस डिजाइनर वाल पारस डिज़ाइनर हैं जो इन्होंने भगवान ने इनको सेवा का मौका दिया जो मिस्टर संजीव जी और जो जैसमिन जी हैं तो इन्होंने बहुत ही उत्साह से बहुत ही लगन से इतने इतने दिन उन्होंने मेहनत करके भगवान की सेवा का इन्होंने उसका लाभ के भगवान के लिए बहुत ही अच्छी जैसे आप देख रहे कि ड्रेस भगवान के लिए इन्होंने बनाया तो इन्होंने हैं कि हर साल जो भगवान जगन्नाथ जी हैं बहुत सुंदर बहुत, बहुत, मतलब बिल्कुल अलग तरीके के वस्त्र पहने होते हैं तो इस बार आपको जो इनके द्वारा स्पेशल डिजाइन किए गए ड्रेस आपको कितना फर्क लग रहा है कि क्या खास बात है इस ड्रेस में फ़र्क देखो ऐसा है कि वृंदावन से भी जो ड्रेस आती है हर साल आती है ड्रेस वो भी अच्छी होती है ऐसा कुछ नहीं है इसमें क्या है कि भक्ति में क्या होता है कि एक भाव की बात होती है तो लुधियाना के भक्तों का जो मिस्टर जो संजीव जी है जिन्होंने अभी जो बनाया है तो उसमें क्या कि इनका भाव है तो इसमें हम देख सकते हैं कि कितना भाव से उन्होंने भगवान के लिए सेवा किया है तो जो उन्होंने इतने भाव से सेवा किया अभी जैसे तो भगवान का भी ऐसा इच्छा हुआ होगा कि मैं इतने देर से वृंदावन से पहन रहा हूँ तो इस बार लुधियाना के भक्तों का इतना उत्साह है तो जैसे जो लोग फैशन की दुनिया में जा रहे हैं तो उन्होंने भी सोचा कि जो फैशन के लोग हैं उन्हीं से अपना सेवा को उनको मौका दिया जाए तो इसीलिए भगवान अभी यहाँ की ड्रेस तैयार हो रही है जो जो अभी तैयार हो भी चुकी है तो रथ यात्रा वाले दिन अभी भगवान इसको पहनेंगे तो आप चीज आप इस चीज़ से बिल्कुल सहमत है जैसे आजकल फैशन का टाइम चल रहा है हर कोई फैशन के पीछे भाग रहा है तो भगवान भी क्यों इस चीज़ से पीछे रहे भगवान देखिए ऐसा है कि भगवान में और भक्तों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है भक्त कहते हैं कि भगवान बड़े हैं भक्त और भगवान कहते हैं कि भक्त बड़े हैं तो जो भक्त की इच्छा होती है कि मुझे ये करना है भगवान के लिए तो भगवान उसको हमेशा स्वीकार करते हैं तो भगवान किसी का भी जो कुछ भी भगवान के लिए करना चाहता है भगवान कभी भी उसको रिग्रेट नहीं करते भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं चाहे हम किसी भी फॉर्म में भगवान की सेवा करें तो जैसे इन्होंने अभी इन्होंने अभी सोचा कि हम भगवान के लिए वस्त्र बनाएं लुधियाना में ही हम इसको तैयार करें तो भगवान ने उनकी सेवा एक्सेप्ट की है अभी रथ यात्रा वाले दिन भगवान इसको पहनेंगे भी जैसे हम हर साल लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और लुधियाना में तो अब बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करने लग गए हैं तो आपको क्या लगता है कि जो वृंदावन का पूरा झलक हम लोग वहाँ पे देखते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर यहाँ के लोगों में भी क्या वैसा ही उत्साह हर साल हम देख सकते हैं यहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है जैसे जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथ से चली आ रही है जो परंपरा से चली आ रही है काफ़ी लाखों सालों से जगन्नाथ पुरी में चली आ रही है तो जगन्नाथ रह... पुरी में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो भक्तों का उत्साह होता है हम लुधियाना में भी वही देखते हैं कि लुधियाना के भक्तों में भी उतना ही उत्साह है और पूरे साल वो भगवान के लिए पूरा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अगर आप देखेंगे पूरा जो भी मार्ग रहता है जहाँ से रथ यात्रा जाती है तो आप देखेंगे कि पूरा रोड में पूरा मतलब भक्त लोग हम भगवान की वेट के लिए खड़े रहते हैं आरती के लिए भगवान की दर्शन की एक झलक पाने के लिए लोग पूरा बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं As we all know, Jagannath Yatra is one of the oldest Yatra taking place in India and all over the world. And we all are eagerly waiting for Jagannath Yatra in Ludhiana on 23rd December 2018. Yes, we are here at, uh, in Smart City Ludhiana to introduce you to the honors of Paras Designer Studio, Mr. Sanjeev and Mrs. Jasmine, who made beautiful attires for Lord Jagannath. So, not wasting so much time, let's meet them. Hare Krishna, sir. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna. <laughs> सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इतना अच्छा इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है जगन्नाथ जी के कपड़े आपने डिज़ाइन किए तो कैसा फील हो रहा है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है त्रिलोकी के मालिक तीनों लोगों के मालिक ने हमें ये मौका दिया है ड्रेस डिज़ाइन करने का तो हमारे लिए लाइफ की बेस्ट मोमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है तो आज से पहले भी आपको कभी कोई ऐसा मौका मिला है नहीं पहली बार ये कृपा हुई है तो जैसे आपने इतने मॉडल्स के लिए या इतने फैशन शोज़ भी आपने करवाए हैं तो इस टाइम आपके मतलब आप अपने दिल की बात शेयर कीजिए कि भगवान के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना आपका वो आपका मोमेंट कैसा रहा होगा जब आपको ये मौका मिला होगा हमने कभी सपने में भी, भी नहीं सोचा था कि ये मौका हमें मिल सकता है ये भगवान ने हमें खुद आकर ये मौका दिया है वो चल के आए हैं हमारे पास कि संजीव जैसमिन और पारस परिवार कि ये ड्रेस इस बार हम आपकी ड्रेस पहनेंगे तो ये उन्होंने हमें मौका दिया है हमारा हमारी सोच भी नज़दीक भी नहीं पहुंच सकती थी लेकिन हमें जो मौका मिला है हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मौका है तो आपको कितना टाइम लगा भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्र तैयार करने में हमें सिर्फ पंद्रह दिन का वक्त मिला था और पंद्रह दिन में हमने ये ड्रेस उनके लिए तैयार की है और हम इसको मंदिर कमेटी को स्पुर्द कर रहे हैं और बीस तारीख को चलिए सर वापस आते हैं आपके पास बात करते हैं हम मिसेस जैसमिन से हरे कृष्णा मैम फिर से एक बार तो मैम आप ये बताइए सर ने तो हमें बताया कि कैसे उनको फील हो रहा है कि उन्होंने भगवान जी के एक वस्त्र तैयार किया है उनको मौका मिला है तो आप अपने दिल की बात हमसे शेयर कीजिए हाँ जी ऑनेस्टली बहुत ऑनरेबल चीज़ है कि वी गॉट अ चांस इन लुधियाना द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज रियली 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 वेरी ऑनरेबल टू अस रियली तो मैम कितना हार्ड वर्क आपको करना पड़ा है। इतने जैसे हम इतने सुंदर वस्त्र उनके देख रहे हैं हमारे पीछे ही हैं तो कितना आपको कितनी मेहनत लगी कितना टीम वर्क था आपके आपके पास जिसने इतने सुंदर वस्त्र तैयार किए उनके हाँ जी जिदा संजीव ने दस्या कि पंद्रह दिन का टाइम सी सो ऑनैसटली पंद्रह दिन का टाइम सीओ वी स्टॉप ऑल अदर वर्क एंड पूरी डेडिकेशन के नाल नाल कि सूद का भी फर्क कितों नहीं आना चाहिए वी डिड ऑल द टीम वर्क हार्ड फॉर फिफ्टीन डेज कंप टली टू कम आउट विद दिस स्ट्रैस मैम विच टाइप ऑफ मटीरियल यू यूज इन दिस स्ट्रैस मटीरियल एक जरा बेस है वी हैव यूज द प्योर ब्राइट मटीरियल फिर उस बात सीक्वेंस होगी स्टोनस होगी ऑल सिपी मटीरियल विद शाइन्स ऑन द स्टेज वी हैव यू स्टार्ट तो मैम जो कलर्स आपने इतने ब्यूटीफुल कलर्स दिए हैं लॉर्ड जगन्नाथ को तो वो आपके माइंड में कैसे आया कि ब्राइट कलर्स देने हैं या सोबर कलर्स देने हैं वो आपके माइंड में कैसे आए वो चीज़ कि आपने सोबर कलर्स पे फोकस करना है। एक्चुअली मैं कृष्ण जी so की ड्रैस न जो देखा सो आई जस्ट सॉ ऑन द टीवी कि ऑल ब्राइट कलर इंट्रोड्यूस फिर मैं थोड़ा संजीव तो गाइडलाइन ली okay. तो ही सैड कि यू हैव टू गो विद ऑल ब्राइट कलर्स विच लुक्स नाइस ऑन द स्टेज या तो uh, मैम अभी ये जैसे ट्वेंटी थर्ड दिसंबर को हम सब वेट कर रहे हैं जगन्नाथ यात्रा की तो वो मोमेंट आप शेयर कीजिए जब जगन्नाथ जगन्नाथ जी लॉर्ड जगन्नाथ जी जिनके लिए हर कोई तरसता है उनको देखने के लिए कि साल बाद वो मौका मिलता है और इस बार वो आपके डिज़ाइन किए हुए टायर्स ब्यूटीफुल डिज़ाइनर टायर्स में वो आएंगे तो वो मोमेंट तो शायद आपको अभी से ही वो फील हो रहा होगा कि वो कैसा मोमेंट होगा आपके लिए मैं सीरियसली वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकती एंड रियली वेरी एक्साइटेड कि ट्वेंटी थर्ड दिसंबर आवे तो देखिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड मैं नहीं मेरी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत की है देते थैंक यू मैम सर आप एक चीज़ और बताइए कि पहले जैसे हमें पंडित जी ने बताया कि वृंदावन से लॉर्ड जगन्नाथ के वर्ष तैयार होके आते थे तो क्या आपने कहीं से कुछ आइडिया लिया कि सब ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि हाँ आपने इस टाइप के कलर्स पे फोकस करना है इस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है उनके ड्रेसेस पर नहीं ये बिल्कुल भी कहीं से भी आइडिया नहीं लिया गया ये एक सेल्फ़ डिज़ाइन ड्रेस है और क्योंकि जो ड्रेस है वो हम हमारे से उतरी है हमने बनाई नहीं है वो भगवान ने हमसे बनवाई है वो बस ये कैसे हुआ है ये मुझे भी नहीं पता तो सर आने वाले टाइम पे भी आप चाहेंगे आपको ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिले मैं चाहूँगा कि जब तक हम हैं तो ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे तो भगवान हम पे कृपा बनाए रखेंगे और हम चाहेंगे कि हम बार बार मौका हमें मिले हर बार हमें यही मौका मिले तो सर अब आप ये ड्रेस कब हैंड ओवर करने वाले हैं हम ये 20 तारीख को शंगला वलश वाला लुधियाना में पूरी जगन्नाथ कमेटी जो है जिन्होंने हमें ये मौका दिया है हम उनको हैंड करेंगे और इनके लिए एक फंक्शन भी रखा गया है अपने पारस डिज़ाइनर मनरबा मार्केट में यहाँ पे ये ड्रेस दर्शनों के लिए रखी जाएगी सर तो आप कितने एक्साइटेड है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर ट्वेंटी एटीन को लेके जब आपकी ड्रेस आपके मतलब द्वारा डिज़ाइन की हुई ड्रेस सड़क पर उतरेगी हर कोई उसको देखने वाला होगा तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होगा मेरे लिए मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है मेरे लिए शायद और चीज़ें कोई भी याद रखने वाली नहीं है शायद मेरे लिए सारी उम्र मैं इस चीज़ को जरूर याद रखूँगा कि जो भगवान जगन्नाथ ने हमें मौका दिया है उन्होंने हमारे वस्त्र पहने हैं तो ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन पल होगा थैंक यू सर तो मैम एक चीज़ और बताइए यहाँ पे और भी जैसे डिज़ाइनर्स हैं काफ़ी फेमस डिज़ाइनर्स हैं लुधियाना में तो आपको ये चांस मिला है कि आपने लॉर्ड जगन्नाथ जी की ड्रेस डिज़ाइन की है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि दैट वॉज ऑल कमांड ऑफ संजीव दैट यू हैव टू डू इट Okay. and uh, even i was not aware that i got that opportunity he just called me in the office and he said ki we have we have got the opportunity to make the dress okay. so with the guideline of sanjeev i did all okay yeah. that means both uh, yeah exactly <laughs> thank you so much for giving us your precious time लुधियानवी ट्वेंटी थर्ड दिसंबर ट्वेंटी एटीन आने वाला है और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं पारस डिज़ाइनर्स के इतने फेमस हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने हमेशा से लुधियाना का नाम रोशन किया है और अब उनके द्वारा डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस लॉर्ड जगन्नाथ पहनने वाले हैं तो हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा उनकी ड्रेसेस जगन्नाथ जी के ऊपर देखने के लिए कैमरा मैन अमनदीप के साथ शिप्रा बस टाइम्स पंजाब टी